जी, तो अभी हम निकल चुके हैं और साथ में हैदर भाई है और इंसाफ भाई और कासिम भाई और हसनैन भाई भी साथ है। तो अभी कुछ पता नहीं, हम निकल चुके हैं और देखते हैं कहाँ जाते हैं। बारिश अभी रुकी है तो कुछ खाने पीने का हमारा प्रोग्राम है कोई, तो अभी हम निकले हुए हैं तो आपको आगे दिखाते हैं। तो ये एक बाइक हमारी ये रही और एक ये हम बैठे हैं जिसमें, ये तीनों हम टोटल 5 बंदे हैं। तो हम अभी निकल चुके हैं और ये कह रहे हैं कि अभी लुकमान जाना है, तो देखते हैं लुकमान जाना है या कोई और जगह। अभी आप देख सकते हैं ये तीनों बंदे हमारे पीछे कासिम भाई है और बीच में हैदर भाई और ये इंसाफ भाई, घूमने का शाम के टाइम मज़ा ही कुछ और है। आप देख सकते हैं खैरपुर में बहुत बारिश हुई है और ये पानी खड़ा हुआ है, ये देखिए। ये कुछ गाड़ी रुक गई है, पता नहीं झाका है कोई। सारा कुछ ब्लॉक का ऐसा है, ये सारे बंदे हमारे हंस रहे हैं कोई, तो इनको मजा आ रहा है, हवा ठंडी लग रही है। कहाँ जा रहे हो? जियो जियो। हाँ, वो किसी भाई ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ पे आए आप और वो शूट करके, बहुत ही फेमस है। देख सकते हैं खैरपुर को बारिश ने बहुत ही डुबो दिया है और ये पानी बहुत है। स्टेशन रोड पे पहुंच चुके हैं और ये अब पानी देख रहे हैं बारिश का, और एक बाइक हमारी आगे से जा रही है और ये पानी देखें, ये सारा पानी बारिश ने यहाँ पर जमा कर दिया है और ये सारा पानी। हम लुकमान की तरफ जा रहे हैं अभी, ये हमें रास्ते में ये बागतर नेशनल स्कूल है ये, और आगे और भी स्कूल हैं, कुछ कॉलेज हैं यहाँ पे, और बहुत ही ये मशहूर शहरा है यहाँ की खैरपुर की। और ये यहाँ पे स्कूल और कॉलेज वगैरह यहाँ पे ज़्यादा हैं। ये पानी आप देखें, ये बहुत ही पानी है, ये देखें दोनों तरफ पानी है, हमें टाँगों में लग रहा है अभी पानी, बारिश का पानी है। यहाँ पे कुछ और बढ़ गया है, रास्ता है और 1 किलोमीटर हो गया यहाँ से। आगे से हटिया स्कूल भी आने वाला है, यहाँ पे मैं कुछ वहाँ पे मैं पढ़ा हुआ हूँ, केजी से लेके मैंने 10 तक यहाँ से किया है। ये वाटर सप्लाई का ये आ चुका है लुकमान का, आप देख सकते हैं यहाँ से पानी सप्लाई होता है शहर का सारा, वो एक टंकी बनी हुई है, बहुत बेहतरीन शाम का नज़ारा है। बाजार में है कोई, वहाँ जाएंगे हम और
यहाँ पे बहुत ही पानी खड़ा है। लुकमान में भी आप देख सकते हैं सारा डूबा हुआ है लुकमान का एरिया। किसी भाई ने रिक्वेस्ट की थी, हमने कहा निकलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं हमारी बाइक पूरी आगे से डूबी हुई, पूरी को हिला रहा है ये पानी। आगे और पानी है, सारा इलाका डूबा हुआ है पानी में। आज हमें कोई बारिश ज़्यादा हुई थी, उस वजह से ये यहाँ का सिस्टम कोई सही नहीं है। अब्दुल भट्टी साहब के पास हम पहुँचे हुए और फ्रेश बनाए हुए समोसे, ये कुछ पकड़ा है यहाँ फ्रेश पका रहे हैं। साथ में कचौरियाँ भी समोसे हैं। नहीं, आप कब से काम कर रहे हैं? हमारे 20 साल हो गए। अच्छा, हो गए कृषि यहाँ पे, यहाँ का बहुत ही फेवरेट है। पक चुके हैं फ्रेश डाल रहे हैं। सामने चटनी बना रहे हैं भाई, कुछ बनी भी हुई है। समोसे और कचौरियाँ साथ ही पक रही है। चटनी बन रही है भाई, बना रहे हैं। ये रशी आवाम का, ये यहाँ का मशहूर है लुकमान में। अभी पक चुके हैं, अभी उतरेंगे। हमारे बंदे तो बैठे हुए हैं, हमारे बंदे कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे कुछ हम समोसे यहाँ पे खा रहे हैं और पार्सल हमने कचौरियाँ करवाई हैं, वो घर जा कर खाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग इंतज़ार में, वो हमारे आने वाले हैं और ये सब देख रहे हैं इधर। और ये सामने बन रही है, ये कुछ आ चुकी है, आप देख सकते हैं। ये हमने कुछ यहाँ पे, यहाँ का कोई ये मशहूर है समोसों का, इन्होंने बनाया, साथ में इन्होंने चने मिलाए हुए हैं, बहुत ही डिलीशियस है। और ये आप देख सकते हैं बेहतरीन, वो सब लगे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं भी इसको ट्राई करूँगा यहाँ पे। कासिम भाई थोड़ा सा रिव्यू दें इनका। अलग ही टेस्ट है, मतलब चाट की तरह है। सही सही, समोसे वैसे सही सही। इसको हम कुछ हल करेंगे मिक्स करके, ये समोसा है और कुछ साथ में इन्होंने चटनी और ये वो मिलाया हुआ है, ये बहुत ही डिलीशियस है, ये देख सकते हैं आप। तो ये हम ट्राई करेंगे, ये बहुत ही डिलीशियस है। ये आवाम आप जमे गफी देख रहे हैं, ये बहुत ही मशहूर है लुकमान में, कचौरियाँ और समोसे यहाँ पे होता है। और साथ में ये चाट भी बना के देता है समोसे का, और साथ में वो
छोले भी लगा के देते हैं और चटनी, ये बहुत ही मशहूर है यहाँ का। तो मैंने कहा भाई की रिक्वेस्ट पे हम पहुँचे हुए थे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, तो ये कचौरियाँ आ चुकी हैं, हमने पार्सल करवाई थी लुकमान में से और वहाँ पे कुछ चाट वहाँ पे खाया था और ये अभी हम खाएंगे। ये हम साथ में सब